लोग जब रेट डालने जाते हैं तो आप लोग कैसे पता चलता है कि किसी के पास मतलब ब्लैक मनी रखा हुआ है स्टॉक में या होल्ड करके उसने पैसा रखा हुआ है, कैसे मालूम होता है? दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंस जो कि एनोनिमस हो सकता है या कोई मुखबिर आके आपको बता सकता है या ऑफिशियल सोर्स भी आपको बता सकता है। दूसरा होता है कंप्लेंट, आपको कंप्लेंट मिला, आपने रिवर्टी इंक्वायरी की, उसमें पुख्ता हुआ तो आप रेट कंडक्ट करते हैं। इस तरीके से रेट कंडक्ट करने का रिवाज पुलिस में भी है, सीबीआई में भी। सर जब आप लोग रेट डालते हैं जी किसी घर पे या किसी ऑफिस पे, वो क्या पूरा प्रोसेस है वो समझाने की कोशिश कीजिए, बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए सर कि किस तरह से आप लोग जाते हैं, क्या करते हैं, जैसे दिखाया जाता है फिल्मों में उससे कितना अलग है या उससे कितना मिलता जुलता है? फिल्मों की तरह ड्रामा नहीं होता, लेकिन अमूमन हम लोग जब रेड का की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको उस बात को बहुत एडवांस में लीक नहीं किया जाता। और जब हम रेड करते हैं तो इस बात के लिए भी तैयार रहते हैं कि वहाँ पर स्कफल हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है कुछ लोग जो इसमें संलग्न हो वो कूद के भागें, कहीं दरवाजे से निकल के भागे, तो एक तरह की सीलिंग की जाती है उस जगह से जिसको आप मैनुअल सीलिंग कहते हैं। और इस तरह के मामलों में चूंकि इकोनॉमिक ऑफेंस है, अमूमन यह नहीं माना जाता कि गोला बारूद चलेगा या, तो उसकी एक मैनुअल सीलिंग होती है। मैनुअल सीलिंग के साथ साथ कोशिश की जाती है कि अगर बहुत इम्पॉर्टेंट ये है तो जैमर भी लगे वहाँ पर, ताकि वो ऐसा नहीं कि मोबाइल से सूचना वहाँ से आगे पहुँचे, और लोगों को एक अनाउंसमेंट किया जाता है वहाँ पर कि ये टीम आई है और आप इसमें कोऑपरेट करें। उसका जो एक ड्रिल है जो एक हमारे ब्लू बुक पे लिखा होता है उसको वहाँ अनाउंस किया जाता है, उसके बाद सर्च सीजर की कार्रवाई की जाती है। अमूमन ऐसे चीज़ों में अथॉरिटीज़ कोऑपरेट करते हैं, बिकॉज दो आदमी उसमें अगर शामिल हैं तो चार आदमी शामिल नहीं भी, तो ऐसा नहीं होता है कि आप गए और पूरा फिल्मी गैंग वॉर की तरह लोग आप पर टूट पड़ेंगे। वहाँ पर हमेशा एक मिक्स ग्रुप होता है, दो लोग खड़े हो जाएंगे आपकी तरफ से और दो लोग जो मिस्क्रियंट्स हैं वो व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे। सर जिनके पास काला धन या ब्लैक मनी होता है वो किस सोच के तहत धन को छुपाते हैं और कहाँ कहाँ छुपा सकते हैं? जैसे आजकल बड़ी अद्भुत अद्भुत जगहें निकल करके आ रहा है पैसा। सच्चाई से बताऊँ तो मैंने इस पर रिसर्च तो नहीं किया है, लेकिन काला धन का जैसे सुनने में अभी आ रहा है, ये डीमोनेटाइजेशन के बाद एक पहली बार लोगों को ये क्लैरिटी मिली कि उसमें ब्लैक मनी में जो मॉनेटरी पार्ट है जिसको आप कैश इकोनॉमी का हिस्सा मानते हैं वो बहुत बड़ा नहीं है, वो बड़ा नहीं है, लेकिन उसके अलावा बेनामी ट्रांजैक्शंस, उसके अलावा हवाला, ये तमाम जो पैसे हैं जिसका अकाउंटिंग नहीं है वो काला धन के नाम पे जाना जाता है। तो जब आप गलत तरीके से पैसे कमाएंगे तो आप उसको छुपाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे और वो सारे हथकंडे मिलाकर काले धन का एक घड़ा बनता है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि एक बेंगलुरु में एक बाथरूम से जी संपत्ति निकली, काफ़ी पैसा निकला, सोना और ये रॉम में भी सोना और गहने में भी निकला दोनों तरीके से जी। इस बाथरूम की सॉरी बाथरूम में छुपाने के पीछे यही सोच हो सकती है क्या कि आदमी बाथरूम में है तो प्राइवेसी है उसके पास, वो छुपा रहा है, वो मतलब काफ़ी देर तक अंदर कोई सवाल नहीं करेगा क्या कर रहे हो और कोई भी मेहमान अंदर नहीं जाएंगे बिना पूछे अगर वो पर्सनल बाथरूम, क्या सोच हो सकती है बाथरूम में छुपाने की? बाथरूम में आपने बिल्कुल सही कहा, एक पहली तो प्राइवेसी आप ही की है, आप जब वहाँ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या कैविटी बनी हुई है या आपने तिजोरी लगा रखा है अंदर, तो आप क्या कर रहे हैं अंदर शायद आपकी पत्नी को भी ना पता चले, बच्चों को पता ना चले, ऑफिस है तो ऑफिस स्टाफ को पता ना चले, और कोई पूछ भी नहीं सकता है कि क्यों भाई आपको इतना देर क्यों लग रहा है वगैरह वगैरह। तो एक जो स्पेस की प्राइवेसी है बाथरूम में, उसी तरह बेडरूम में आपको मिलेगा, बेड के नीचे लोग छुपाते हैं क्योंकि अमूमन आम लोगों को बेडरूम में जाने की इजाज़त नहीं होती, तो एक प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और जितना उसको प्लान, दूसरा एलिमेंट है कि आप कितना उसको कैमोफ्लेज कर सकते हैं, टायरों के अंदर छुपाते हैं, ट्यूबों के अंदर छुपाते हैं, गाड़ियों के कैविटी में छुपाते हैं, तो उसको क्लैंडेस्टाइनली कितना कंसील कर सकते हैं आप और प्राइवेसी में कर सकते हैं, ये दोनों एलिमेंट बड़ा काम आता है किसी चीज़ को छुपाने में, चाहे वो काला धन हो या
स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है सर, एक सवाल इसी जुड़ा हुआ है कि अक्सर जब भी रेड होते हैं तो बड़ी ही अमेजिंग जगहों पर, या मतलब ऐसी जगहों पर जहाँ सोच नहीं सकता आदमी, आप कहें तो एक अद्भुत जगहों पर पैसा छुपाया जाता है, चाहे वो कवर्ड के अंदर एक सेफ के अंदर एक सेफ बना हो, बाथरूम के अंदर, बिस्तर के नीचे, या कार के साइड डोर्स में, किस तरह से देखते हैं इसको और क्या समझते हैं इसको? मैं समझता हूँ कि पुलिस लाइफ 10-15 साल जो मैंने बिताए उसमें क्रिमिनल एक बड़ा क्रिएटिव प्राणी, हम लोग क्रिएटिव प्राणी मानते हैं, कलाकार होगा, आर्टिस्ट होगा, गाने वाला होगा, लिखने वाला, पढ़ने वाला, बट वो भले ही गलत रास्ते में अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है तो अपना पूरा दिमाग लगाता है कि किस तरह से इसको अंजाम दूँ कि हमारी मैं समाज में सफ़ेद चेहरा बना भी रहे और हमारे उस कमाए हुए धन को तक कोई पहुँचे नहीं, तो उसके लिए वो नए नए तरीके ईजाद करता है। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको कभी भी दो केसेस में 1-to-1 100% सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, हर में थोड़ा यूनिकनेस होता है और उसी को मैं एक क्रिएटिव जीनियस एक क्रिमिनल का मानता हूँ। और ये काला धन वाले भी वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, वो ब्लैक कॉलर क्रिमिनल्स भले ही नहीं है तो उन वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। सर एक आखिरी सवाल है इससे बोला हुआ, जब किसी के पास ब्लैक मनी रिकवर होता है क्या सजा हो सकती है, कितना फाइन लगता है, इसके बारे में? इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल क्लियर कट नहीं है कि ब्लैक मनी, बिकॉज ब्लैक मनी एक लीगल टर्म भी है कि नहीं, ये आपको चेक करना होगा। लेकिन ब्लैक मनी आमतौर पे वो मनी है जो अनअकाउंटेड मनी है, और अनअकाउंटेड मनी अगर है तो आप सवाल है कि आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, तो तमाम 5W जो जर्नलिज्म के प्रश्न हैं ये खड़े किए जाते हैं। अलग अलग अथॉरिटीज जो हैं, DRI की अथॉरिटीज़ हैं, इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ हैं, जिनको इसका स्पेशलाइज ज्ञान है, वो उनसे पूछताछ करते हैं और अनअकाउंटेड मनी को रखने की जो सज़ा उसमें होगी